स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट ज्ञान, आप देख रहे हैं टेक ज्ञान। गाइस जैसा आपको पता है भी गर्मी का मौसम भयंकर चालू होने वाला है, तो आज आपको हम कुछ नया पेशकी करने वाले हैं। बिकॉज की जो डाइकिंग का एसी है आपको सामने दिख रहा होगा, नई टेक्नोलॉजी के साथ, नई इनोवेशन के साथ ये प्रोडक्ट आया है। ये कटाई एक टेक्नोलॉजी है जिसके बेस बना हुआ है, जो स्पेशल पावर एनर्जी सेविंग टेक्नोलॉजी के साथ नॉन इन्वर्टर है। गाइस आपको पता है आज मार्केट में केवल इन्वर्टर इसी ही लोग आप सुनते हैं और परचेस करने के लिए भी सजेशन होता है। ऑब्वियसली नॉन इन्वर्टर जो होता है ज्यादा बेटर एसी होता है, लेकिन नॉन इन्वर्टर ऐसी चीज है, बहुत सा ऐसी प्लेस है जहां पे नॉन इन्वर्टर ही खपने वाली होती है, और वैसे जगह है जो वहां वही लगता है। तो कुछ नई टेक्नोलॉजी के साथ, कुछ न्यू इनोवेशन के साथ एक कटाई टेक्नोलॉजी, इसकी जो टेक्नोलॉजी है जो मेटल अलाय टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस ऑन टेक्नोलॉजी बनी हुई है, एक कूसर टेक्नोलॉजी जो 300 साल आसपास में 3000 साल पीछे टेक्नोलॉजी बनी हुई है, उस बेस ऑन एक टेक्नोलॉजी रेडी हुई है। इसमें जबरदस्त पावर एनर्जी सेविंग टेक्नोलॉजी के साथ है। बिकॉज ऐसे नॉन इन्वर्टर लेने का जो मतलब नहीं लेने का जो मतलब होता है उसकी वजह यही है कि पावर सेविंग नहीं होती है, बहुत ज्यादा पावर कंजम्पशन करता है नॉन इन्वर्टर जो होता है। लेकिन ये मशीन आपको सुन के शॉकिंग होगा कि जो आपको इन्वर्टर एसी आप खरीदने वाले हैं, इन्वर्टर एसी आपको 1600-1700 आसपास में आपको इन्वर्टर 3 स्टार खाता है जो पावर कंजम्पशन है। लेकिन ये नॉन इन्वर्टर होने के बाद भी 1278 आसपास में पावर कंजम्पशन करने वाला, तो बहुत ही बेहतरीन पावर एनर्जी सेविंग टेक्नोलॉजी के साथ ये प्रोडक्ट है। गाइस तो मेरे साथ मेरे वीडियो में बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है। आगे आपको इस प्रोडक्ट में बताने वाला हूँ मैं क्या कैसे आपको कौन सी टेक्नोलॉजी की वजह से पावर सेविंग है। जैसे मैंने बताया ये नॉन इन्वर्टर प्रोडक्ट है, आपको कटाई टेक्नोलॉजी, इसमें लॉन्ग लाइफ आपके मटेरियल अलॉय की वजह से बनता है। इसकी टेक्नोलॉजी है कूसर टेक्नोलॉजी के ऊपर इनबिल्ट है, सो ये टेक्नोलॉजी की वजह से इमीडिएट चिलिंग कैपेसिटीज की डेवलप हो जाती है, और पावर जो एनर्जी सेविंग टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़बरदस्त इसमें इन्हांसमेंट होकर नई प्रोडक्ट है। बिकॉज ऐसे नॉन इन्वर्टर जो होता है वो आपको 1950 आसपास में 1.5 टन की एसी आपका पावर कंजम्पशन करती है। इससे आपको पता होगा डैकिंग एडवांस टेक्नोलॉजी में चलता है। 2022 में इनके सारे प्रोडक्ट ऑलमोस्ट बन के बाहर आ गए थे, और 2022 का जो ICR है इनका 2024 में वही बिकने वाला है। सो ICR जो इनकी रेटिंग है वो 2022 में ही आपको इतनी अपग्रेड टेक्नोलॉजी हो गई थी, इतनी चीज़ें डेवलप होके आ गई थी, तो वही इनको इस साल में कोई इन्वर्टर में कोई नई मॉडल अभी तक तो कोई इनोवेशन नहीं मिला है। सो ये 2022 का न्यू प्रोडक्ट था, इसका मॉडल नंबर है FTL50UV। यूवी इनकी जो सीरीज है 2022 की सीरीज होती है, और 22 ही जो है वो 2022 का जो प्रोडक्ट है, जो यूवी है वो आगे भी कंटिन्यू होने वाला है। नॉन इन्वर्टर जो प्रोडक्ट होता है वो कमर्शियली अगर ऐसी प्लेस में लगा रहे हैं जहाँ मूवमेंट ज़्यादा है, वैसी जगह बार बार डोर ओपन होता है, तो वैसी जगह पे क्या होता है कि आपको मशीन को ऐसा नहीं होता कि फुल चिल कर लिया और उसको आपको रिड्यूस करने का, पावर कंजम्पशन कम करने का कोई मौका मिलता है। बिकॉज एनी टाइम उसको फिक्स पावर खाना है। अगर इन्वर्टर लगाते हैं उसमें भी अगर रेगुलर चल रहा है इन्वर्टर, तो आपका 1670 वाट खाता है जो डाइकिन का मशीन होता है 3 स्टार वाली। मैं इसलिए डाइकिन के ऊपर बात करूँ तो डाइकिन का जो मिनिमम पावर कंजम्पशन 3 स्टार पावर खाने वाली है 1670 है, और ये मशीन आपको नॉन इन्वर्टर होके भी आपको 1278 है, 1278 के आसपास में। सो काफ़ी कम पावर खाता है, और ऐसी कोई जगह है जहाँ पे लगाते हैं जहाँ कंटिन्यूस चलना है मशीन, जहाँ पावर सेव होने वाला और ओपन रहना है डोर, जो रेगुलर बेस में आपको मशीन ऑन होने वाली है, तो हो सकता है ये ज़्यादा पावर बचा पाए कंपेयरली आपका इन्वर्टर के मशीन के कंपेयरली में। तो ऐसी बहुत सारी प्लेसेस होती है, आपको ज़रूरत के अनुसार परचेस करने के टाइम में आपको देखना होता है कि ऐसी कौन सी जगह कौन सा एसी फिट कर रहे हैं, उसके अनुसार आपको इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर सिलेक्शन करना होता है। इन्वर्टर का एडवांटेज हो सकता है बहुत सारी पार्ट में आपको। सो गाइस नॉन इन्वर्टर इन्वर्टर का अगर मैक्सिमम डिटेल जानना चाहते हैं दोनों के टेक्नोलॉजी के बारे में, तो आई बटन पे आपको इन्फॉर्मेशन बॉक्स में आप क्लिक करेंगे, मेरा पुराना वीडियो है जिसके अंदर मैं कंप्लीट डिटेल मैंने बना रखा है कि क्या दोनों का डिफरेंसेस होता है, वहाँ चीज़ों को समझ लेंगे। सो उससे आपको ये भी समझ में आएगा कौन सी जगह पर कौन सा जाना चाहिए, सो बेटर होगा। मैं आगे थोड़ा बहुत कवर करके आपको बता दूंगा। सो अनबॉक्स करते हैं फटाफट, देखते हैं इसकी शक्ल क्या आती है, क्या लुक है, क्या चेंजिंग है कंपनी की। तो आगे बढ़ते गाइस, जैसा दिख रहा होगा FTL50UV16V7, ये आपका कंप्लीट इंडोर का मॉडल है, आपको शक्ल सामने निकल के आ रही होगी। बेस्ट पार्ट क्या है कि आप कितना भी प्रीमियर कर लो, डैकिन की जो शक्ल होती है ऑलमोस्ट सभी प्रोडक्ट का इनका सेम ही होता है।
सो शक्ल में कोई खास अंतर आपको दिखेगा नहीं, आपको ऑलमोस्ट को इसके वजह से इनकी शक्ल बार बार ना चेंज होने से इनकी फ्लैब एंड जो बॉडी है वो फटाफट मिल जाती है कंपनी, बिकॉज की एक दूसरे में सारी फिटेड हो जाती है। सो गाइज इसकी स्टार रेटिंग एंड एफिशिएंसी एक बार आपको डिटेल कर दे दूंगा, 2022 में ये मैन्युफैक्चरर है जैसा आपको बता रखा हूँ मैं। आशिया रेटिंग 3.95 है, सो नॉन इन्वर्टर के लिए बहुत ज़्यादा है जो कंपेयरली मशीनें अभी अवेलेबल है मार्केट में। मॉडल आपको बता चुका हूँ, इसकी कूलिंग कैपेसिटी 51150 है, सो अच्छी कूलिंग कैपेसिटी है। ये इलेक्ट्रिसिटी जो कंजम्पशन है इसका 1009 यूनिट है पर ईयर का कंजम्पशन, एक एवरेज कैलकुलेशन होता है ये सारी चीज़ें जो होती है। सो अच्छी पावर सेविंग टेक्नोलॉजी के साथ ये मशीन है, जैसा आपको टेक्नोलॉजी बता रखा हूँ कटाई टेक्नोलॉजी के साथ। यार फ्रंट से आप देख लेंगे कैसी शक्ल आती है, क्योंकि ऐसी वॉल में आपको टंगने वाली है। ऊपर की टॉप हो गई, टॉप में आपको जो फिल्टर लगा हुआ है वो आप सामने से क्लीन करेंगे, और इसके अंदर में जो टेक्नोलॉजी नहीं है वो आपको खोल के ओपन बताते हैं इसके अंदर के अंदर क्या सेटअप है, कटाई टेक्नोलॉजी जो है क्या मटेरियल ऑलाई जो होती है कैसी दिखती है। सो गाइज ओपन करके एक बार इनसाइड देखते हैं। इसकी जो इंडोर कंडेंसर है इसमें आपको जैसे कंपनी ना वारंटी 5 साल की आपको कवर कर रही है गैस एंड एवरीथिंग की, तो मटेरियल तो आपको सेम ही दिख रहा होगा क्योंकि ऐसे चीज़ें कैमरे में तो आनी नहीं है। आपको जो कटाई टेक्नोलॉजी मैं अलाई बोल रहा हूँ वो आपको नेट पर चेक कर लेना होगा क्या टेक्नोलॉजी है। सो ये टेक्नोलॉजी के वजह से पावर इफिशेंसी इसकी बहुत ज़बरदस्त इन्हांस हो गई है, और जो नॉन इन्वर्टर इन्वर्टर से भी कम पावर खा रहा है, तो ये कुछ टेक्नोलॉजी इनोवेशन है जिसके वजह से ये पॉसिबिलिटी में हो पाई है। और उसके वजह से सामने से आपको जो फ्लैप दिख रहा है अगर डबल फ्लैप है तो इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो आपको जैसे मैंने बताया फ्लैप एंड बॉक्सेस इनके सेम रहती हैं। इसके वजह से इनका एयर थ्रो जो है कॉन्ट्रा एयर थ्रो मिलता है, आपको दो डायरेक्शन में एयर थ्रो मिल पाता है, और एयर थ्रो भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त लंबी डिस्टेंस में कवर करता है, 16 मीटर आसपास में, 52 फीट के आसपास में एयर थ्रो इसका मिल जाता है। सो इसकी इस टेक्नोलॉजी की वजह से एयर थ्रो इनकी ज़बरदस्त है। यहाँ आप दिख रहा होगा आपको डिजिटली मीटर दिखा रहा है जो टाइमिंग मोमेंट सेट करेंगे। ये एक चीज़ बहुत बेहतरीन इनका होता है, जो नॉर्मली क्या रिमोट से आप रिमोट में कोई प्रॉब्लम हो गया रिमोट नहीं वर्क कर रहा उस टाइम आप यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। और आपको जो टेम्परेचर सेटेड है ऐसे गवर्नमेंट का सेटेड आपको पता ही है 24 डिग्री होता है, सो आप यहाँ ऑन करते हैं जिसके थ्रू आपको 24 डिग्री मेंटेन कर रहेगा। रिमोट से आप कम बेसी कर सकते हैं लेकिन यहाँ से अगर ऑन ऑफ करते हैं और यहीं से वर्क करते हैं तो आपको 24 डिग्री आपको मेंटेन करेगा। सो काफ़ी अच्छा टेम्परेचर होता है बिकॉज ये गवर्नमेंट का फिक्स टेम्परेचर होता है, जब भी आपकी मशीन ऑन ऑफ होगी तो 24 डिग्री पे ही वर्क करेगी। सो ये बहुत सिंपल है जैसा आपको दिख रहा होगा सामने, पावर चिल मोड है, ऑन ऑफ मशीन है, एंड फैन की स्पीड कम बेसी करने के लिए, टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, स्विंग आपका जो डायरेक्शन ऑफ एयर है उसको आप चेंज कर सकते हैं, स्लीप मोड है, एंड कॉन्ट्रा जो आपको बताया मैं दो फ्लैप होने की जो एडवांटेज है वो आपको मिल जाता है इसके साथ में। टाइमर सेट करने के लिए ज़बरदस्त दिया है, समटाइम टाइमर बहुत काम का होता है कि रात में आप चाहते हैं कि रात जब हो जाए 2-3 बजे तो ऑटोमेटिकली ये एसी बंद हो जाए क्योंकि आपको नींद से जगने की ज़रूरत ना पड़े ऑफ करने की। सो गाइस एक बार आउटडोर अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। आउटडोर आपको जैसा दिख रहा हो मैन्युफैक्चरिंग फरवरी 2022 का है, सो गर्मा गर्म प्रोडक्ट है आपको जैसा मैं एकदम फ्रेश प्रोडक्ट है। आप इंडोर जैसे FTL था इसका RL मॉडल हो जाता है, K होता है तो आपको इन्वर्टर सीरीज हो जाता है, RL है 50UB, ये मॉडल आपका नॉन इन्वर्टर हो गया, इसका इंस्टॉलेशन किट साथ में आती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं अंदर, इनसाइड चलते हैं खोल के देखते हैं कैसा इसका सकल सूरत था आउटडोर का। सो गाइज ओरिजिनल किट आपको साथ में आते हैं, इंस्टॉलेशन किट आपको दिख रही होगी, पतली मोटी पाइप है एंड पतली है, ये आपका क्वार्टर पाइप इसको बोलते हैं, ये आपको 1/4 एंड 1/2 पाइप का है, ये वायर है इसके साथ में, एंड क्लिप दी हुई है, सो काफ़ी अच्छे से आप बैंडिंग एंड क्लिपिंग कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टॉलेशन अगर आप गड़बड़ कराते हैं तो फेलियर होने की मशीन जो है और गैस लीकेज की इसकी वजह से रीजन आती है। सो काफ़ी जेन्युइन चीज़ें साथ में दी हुई रहती हैं, इंसुलेटर के साथ में है, तो इसके साथ ही इंस्टॉलेशन कराइए, अगर प्रॉपर इंस्टॉलेशन होती है तो फेलियर रेट बहुत कम हो जाती है मशीन की। सो गाइस यहाँ आपको दिख रहा होगा कुछ मटेरियल में डिफरेंस, बिकॉज कि नॉर्मली आप ब्लू फिल्म और गोल्डन फिल्मिंग के साथ में दिखता है, ये आपको डिफरेंट कटाई जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ में ये आपको कंडीशन कॉइल दिख रहा है, सो एकदम डिफरेंट दिख रहा है आपको, डिफरेंस आइटम है ये, तो काफ़ी वाइडर है आपको दिख रहा होगा। बाकी जो बॉडी है स्ट्रक्चर उनकी सेम है जो इन्वर्टर की होती है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है।
बट टॉप व्यू देख लेते हैं इसकी, टॉप व्यू कैसी है। ये टॉप फ्रंट व्यू है, R32 गैस के साथ में है गाइस। डैकिन का ग्रिल एंड एवरीथिंग बाकी सेम है, केवल बॉडी एंड एवरीथिंग सेम है। इनसाइड में जो चेंजिंग होगी वो चेंज। सो गाइस आउटडोर के इनसाइड भी चलते हैं, इनसाइड में ओपन करके आपको एक बार दिखाते हैं इसके आउटडोर के अंदर में आपको क्या चीजें हैं, क्या कंप्रेशर डिफरेंस हो जाता है। सो गाइस इनसाइड से आप देख पाओगे कंडेंसर जो है वो आपको अलॉय व्हील अलॉय टेक्नोलॉजी के साथ कटाई जो इनकी मटेरियल है वो डिफरेंस है, जिसके वजह से आपको पावर इफिशेंट बन जाती है मशीन। और यहाँ पे कोई पीसीबी नज़र नहीं आ रही होगी, जस्ट कैपेसिटर एंड स्विचिंग है इसके अंदर में। जो पीसीबी होती है इन्वर्टर के अंदर वो नहीं है, और इन्वर्टर के अंदर में साउंडलेस होने के लिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक मटेरियल फाइबर यूज़ किया हुआ, जिससे वाइब्रेशन और बाकी चीज़ें नहीं होती है। सो ये आपको नॉन इन्वर्टर एसी है, और इसके अंदर में वो मदरबोर्ड नहीं होता है, जो मदरबोर्ड पीसीबी जिसको बोलते हैं वो आपको इन्वर्टर के अंदर लगा रहता है। तो सिंपल टेक्नोलॉजी रहती है, जिसकी वजह से इसकी फेलियर रेट बहुत कम हो जाती है और लॉन्ग बने रहती है। इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोई जगह है जहाँ पे यूज़ करना चाहेंगे तो आपको नॉन इन्वर्टर में फेलियर रेट पीसीबी की वजह से आपको नहीं मिलता है, इसलिए लोग प्रेफर करता है कि नॉन इन्वर्टर लगाते हैं, जिसमें फिक्स आपको हमेशा चिलिंग मिलती है। इस काफ़ी शानदार फीचर के साथ में है, जो पावर इफिशेंट की बात है, पावर कंजम्पशन का मोटा मोटी 13,000 आसपास में, 1300 आसपास पावर कंजम्पशन है, 1300 के आसपास में पावर कंजम्पशन है, काफ़ी कम पावर खाता है जो नई टेक्नोलॉजी उसके वजह से। और इसके अंदर में कंपनी 5 साल की कंप्लीट आपको कंडेंसर का भी वारंटी देता है। सो कोई टेंशन लेने की कोई बात नहीं है इसके अंदर में। R32 गैस लोडेड है, सो ग्रीन गैस टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी, नई इनोवेशन के साथ प्रोडक्ट है। आपको बहुत सारी फीचर जो है वो आपको मिल जाती है। प्राइस रेंज बहुत अच्छा पॉइंट है, आप नॉर्मली आज के दिन इन्वर्टर अगर डैकिन में जाते हैं तो आपको 40-43 के आसपास में प्राइसिंग आ जाती है। सो काफ़ी बड़ी प्राइसिंग हो जाती है, जिनको कम इन्वेस्टमेंट चाहिए मोटा मोटी 36,500 के आसपास में आपको मिलने वाला है मार्केट में। तो 36 के आसपास, ये 36 के आसपास में आपको मिल जाएगी। तो एक अच्छे प्राइस पॉइंट के साथ में अगर कोई ब्रांड प्रेफर करता है कि नहीं मेरे को डैकिन ही जाना है, उसके लिए बेहतर मशीन है। और पावर सेविंग भी आपको जो टेक्नोलॉजी है उसके वजह से काफ़ी बेहतर मिलने वाला है, क्योंकि नॉन इन्वर्टर इन्वर्टर लोग इसीलिए भागते हैं कि उसमें पावर इफिशेंसी का डिफरेंसेस क्रिएट होता है। यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट पावर वैसे मिल जाता है, वही पावर। इसमें 4 वेरिएंट में ये प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में। आपका 0.8 आता है जो 1 टन की तरह ही काम करता है, 0.8 उसको बोलते हैं, वही एक 1 टन कम्प्लीट है। फिर आपको ये 1.5 टन की मशीन है, इसके अलावा इसके ऊपर में 1.8 टन की मशीन आती है, दैट इज़ ऑल नॉन इन्वर्टर। सो 4 मॉडल है, ऑलमोस्ट चारों में आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार अगर 0.8 जाते हैं तो 100 स्क्वायर फीट के, 110-120 स्क्वायर फीट के रूम में आप आंख बंद करके जा सकते हैं। 1 टन की जो मशीन है, इनकी इफिशेंट मशीन होती है, तो 140-150 के आस के रेंज में आप जा सकते हैं। जो अगर डायरेक्ट सनलाइट है तो अलग बात है, लेकिन अगर सनलाइट डायरेक्ट नहीं है और बीच में नीचे फ्लोर में लगा रहे हैं तो 1 टन की मशीन गुड इनफ है 150 स्क्वायर फीट के लिए। 160-170 के आसपास का स्क्वायर फीट का रूम है तो आप 1.5 टन की मशीन, ये मशीन जा सकते हैं। इससे ऊपर अगर मशीन हॉल है 200 स्क्वायर फीट, तो 250-300 स्क्वायर फीट के आसपास में अगर रूम है आपकी साइज है तो आपको 1.8 टन की मशीन जा सकते हैं। इसमें 4 वेरिएंट है, सो अच्छी प्राइसिंग रेंज में सब आ जाती है। 0.8 वाली मोटा मोटी 28-29 हज़ार के आसपास आपको मिल जाएगी, 32-33 के आसपास में 1 टन मिल जाता है। 1.5 टन की मशीन जैसे मैंने बताया 36,500 के आसपास में है। अगर आप 1.8 टन की मशीन जाते हैं तो 46-47 के आसपास आती है। सो काफ़ी वाइडर रेंज आपको अवेलेबल है मार्केट में। सो गाइस जो नॉन इन्वर्टर प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो, मेरे ख्याल से ये अच्छी प्रोडक्ट है, आप आंख बंद करके इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे नॉन इन्वर्टर ब्रांड बंद कर चुके हैं, बिकॉज बहुत सारे ब्रांड LG सैमसंग में ऑलमोस्ट जो बड़ी ब्रांडेबिलिटी आपको मिलेगी नहीं नॉन इन्वर्टर पे। सो नॉन इन्वर्टर का सिलेक्शन करने में आपको वोल्टास के पास मिलेगा, हिटाची में मिलेगा एंड डैकिन में मिलेगा, और भी सारी ब्रांड है वो जनरल एंड मिसुबिशी में, जिसमें आप डैकिन आग बंद करके चूज़ कर सकते हैं। सो गाइज मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएंगे। वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।